नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube के चैनल वर्ल्ड लाइट टीवी में, और मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र। मित्रों, अभी हम आए हुए हैं ओरछा में, और ओरछा में आप देख सकते हैं कितना मनोरम दृश्य है। आज मौसम जो है बारिश का हो रहा है, लेकिन बारिश जो है इतनी ज़्यादा भी हुई नहीं है। आपको मैं हम बता दें कि ये एक पर्यटन स्थल है ओरछा, मध्य प्रदेश भारत का। और पर्यटन स्थल में हम आपको बता दें कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक मोबाइल टॉयलेट बनी हुई है। जो ये मोबाइल टॉयलेट वो है, एक गाड़ी है, इसको अपन कहीं पर भी जाके रख सकते हैं और इसका टॉयलेट या बाथरूम के लिए इसको इस्तेमाल, मतलब टॉयलेट और यूरिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये रखी हुई है, और ये होने भी चाहिए क्योंकि जगह जगह गंदगी ना हो और जो भी पर्यटक आए उनको इनमें टॉयलेट वो कर सकें। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और अभी आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको, हमारे एक दोस्त हैं वो जाएंगे, देखिए आप मेरे पीछे वो जा रहे हैं अब बाथरूम के लिए, टॉयलेट जा रहे हैं। देखिए इस पे लिखा हुआ है मोबाइल टॉयलेट, नगर परिषद ओरछा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जब भी आप ओरछा आएँ, अगर आपको बाथरूम टॉयलेट यूरिन अगर आ रही है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल टॉयलेट का। हाँ जी, आप मोबाइल जो टॉयलेट है उसको, आप उसको देख कर आए हैं, कैसी सफाई है कि गंदगी है अंदर? सफाई तो है। सफाई है? कितना सफाई है? काफी है, मतलब होना चाहिए, मतलब सफाई तो रहनी चाहिए, क्योंकि वो टॉयलेट बनी है, लोग पर्यटक भी आते हैं, विदेशी पर्यटक भी होते हैं, तो उनके लिए मतलब साफ सफाई, चाहे वो इंडिया के पर्यटक हों या विदेशी, सफाई तो होना ही चाहिए, है ना? क्योंकि बारिश का भी मौसम है, बरसात का मौसम है, और मोबाइल टॉयलेट यहाँ 3-4 होना चाहिए, हर स्पॉट पे होना चाहिए, हर स्पॉट पे होना चाहिए ना, जैसे नदी के पास वहाँ भी, ये तो किले की तरफ है, नदी के पास बहुत ज्यादा गंदगी है, पुल के नीचे वहाँ पर जरूर होना चाहिए, वहाँ बहुत टॉयलेट, मतलब लेटरिन वगैरह पड़ी हुई है, बहुत गंदगी है वहाँ। जहाँ भी अपन नदी की तरफ जाते हैं, हाँ, तो पत्थर अत्थर के बीच में ये टॉयलेट वगैरह करते हैं लोग, वहाँ बहुत गंदगी है, बदबू सी आती है, वहाँ जरूर होना चाहिए, यहाँ कम से कम 2 होना चाहिए। सही बात है, और यहाँ पर क्या है, धार्मिक स्थल भी है ओरछा मध्य प्रदेश, और यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना नाम बता दीजिए हमारे मित्र साहब। मुकुल सिंह।